नशारा मार दिए हो ना भैया को, पापा आएंगे तो डांटेंगे। तो दोस्तों हम हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग वीडियो में। ऐसा करते हैं सब अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे दोस्तों। अभी देख सकते 3 बज रहे हैं और अभी हम सो के उठे हैं और अभी भी नींद पूरी नहीं हुआ है दोस्तों। और काफ़ी ठंड लग रही थी आज नहाने के बाद में, थोड़ा हम सोचे कि लेट जाते हैं तो ठंड चले जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ठंडी के दिन आने लगे ना, इसीलिए ठंड लग रहा है बहुत ज़्यादा। और इधर पे तो और ही ज़्यादा क्योंकि शीत चढ़ रहे हैं ना, देख सकते हैं आप कितना ठंडा ठंडा दिख रहा है यहाँ पे। और धूप नहीं आ रही दोस्तों हमारे यहाँ पे, इसीलिए ठंड लग रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ जी दोस्तों, हमने पूरा काम कर लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बर्तन वर्तन मांझ के रख दिए हैं और बस खाना बनाने की तैयारी हो रही है दोस्तों। और इतना सारा धुआं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने धूप जलाए हैं दोस्तों, देख सकते हैं, इसीलिए धुआं हो रहा है। पूरा घर में ही धुआं और वहाँ पे भी जला दिए हैं और पूरा घर में धुआं धुआं, क्योंकि मच्छर चला जाएंगे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। हमारे यहाँ मच्छर है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा काफ़ी, देख सकते हैं हाँ आरोही को रो रो के खुजा रहे मच्छर, रोती जा रहे और खुजाती है, क्या बनाए समझ में नहीं आ रहे। और हमारे यहाँ लौकी भी रखा हुआ है, तो शायद देखते हैं लौकी ही बनाएंगे आधा, देख सकते हैं दोस्तों लौकी, पता नहीं कैसा लौकी है तो बनाएंगे। हाँ आरोही बोल रहे हमारा खिलौना दिखा दो दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं आरोही खिलौना भी आ गए हैं पिंक कलर में, और दिया भी खरीद के ले आए हैं दोस्तों। और फिर कल जाएंगे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए दोस्तों, मतलब कपड़ा लेने के लिए आरोही खिलौने आर्यन और उसके पापा के लिए दोस्तों। और हम नहीं लेंगे साड़ी क्योंकि हमारे पास है अभी साड़ी, और रक्षाबंधन में नहीं लिए थे आरोही पापा, इसीलिए उनके लिए लेंगे दोस्तों। और वैसे तो हमारे पास है साड़ी, क्या करेंगे बहुत ज़्यादा रख के खिलाने लेंगे क्योंकि त्यौहार में नहीं दे पाते ना, और वो सब के बारे में सोचते हैं दोस्तों कि खुश रहे पहरे ओढ़े। और तो हम भी सोचते हैं कि बेबी अच्छी से पहरे ओढ़े दोस्तों, क्योंकि दोनों रहेंगे अच्छा ही रहेगा दोस्तों। तो इस बार हम नहीं लेंगे दीपावली में, और आरोही पापा के लिए लेंगे, दो सेट लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं खेल लग गए और बहुत ही ज़्यादा धुआं है दोस्तों, क्योंकि धूप बत्ती लगी है तो, और आर्यन आरोही खेल में लगी। और दोस्तों बता दूं मैं कि, और ये बताना चाहती थी दोस्तों कि ये मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि आप सास ससुराल में हैं तो सूट पहनते हो और साड़ी नहीं पहनती दोस्तों, तो ऐसे कोई बात नहीं है, हम तो सूट भी पहन लेते हैं और साड़ी भी। और वैसे तो सूट ही बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें शरीर वरीर दिखता ही नहीं, और साड़ी में तो शरीर दिखता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी पहनती कभी काल सूट पहनती दोस्तों। और दोस्तों आर्यन और आरोही बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गए दोस्तों खाना खाते समय, देख सकते हैं यहाँ पे, और लड़ते लड़ते समय आरोही आर्यन को आरोही ने मार दिए, देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा लग गए, दिखाओ आर्यन, ये देख सकते हैं दोस्तों इतना सारा लग गया चोट आर्यन को, पूरा देख सकते हैं ये सूज गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें दवाई अभी लगाए थे दोस्तों, फिर इसको साफ करके फिर लगा देंगे, अभी इसमें से खून आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं दोस्तों, है कि तो दो ही हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं, हाँ इतना सारा मार दिए हो ना भैया को, पापा आएंगे तो डांटेंगे। तो दोस्तों हमने गुस्सा में भी बहुत ही थोड़ा ज़्यादा ही मार दिए आरोही को, तो हमें तो
रोई आ रही है, क्यों मार दिए, गुस्सा हो जाते हैं ना दोस्तों, एकदम दिमाग घूमने लगता है हमारे कि इतना मारे इतना मारे, फिर भी बाद में सोचते हैं दोस्तों अभी रो रहे थे बैठ के क्यों मार दिए मैं, क्या करूं दोस्तों, इतना लड़ते हैं अभी तो कहें कि छोटे छोटे हैं, छोटे में ही इतना लड़ेंगे तो बड़े में और कितना नहीं लड़ेंगे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा दिमाग थोड़ा हमारा घूम गया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मार दिए हैं, क्यों मारे हैं, और अभी गोदी में बैठ गए दोस्तों, फिर इसको शांत करवा रहे हैं ना, कितना गंदी मम्मी है ना, मारती है बहुत ही ज़्यादा, क्या करें दोस्तों, गुस्सा आ जाता है तो मारने का मन हो जाता है, अब बच्चे हैं क्या जाने, लेकिन इसको शायद चम्मच में ही मार दिए दोस्तों, चम्मच ऐसे फेंक के, और खाना खा रहे थे दोस्तों तो ऐसे ही लड़ रहे थे तो चम्मच ऐसे फेंक के मारा तो सीधे उसके यहीं पे जाके लग गए दोस्तों, और आर्यन छोटा है दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं लगता है छोटा बड़ा है, वह उससे जो जीतता है वो उससे नहीं जीतता बिल्कुल, दो ही बराबर में ही लड़ते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा शैतान करते हैं, उसका उधम ही लेती रहती है आर्यन आर्यन, देख सकते हैं कितना उधम है, पैर कहाँ रख के खड़ा हुआ देख सकते हैं दोस्तों आप, क्यों बहुत उधम लेते हो ना दीदी से इसीलिए वो पीट दिए, अब पापा से मत पिटवाना दीदी को, मम्मी ने भी पीट दी और पापा भी पीट दे तो आरोही मच्छर काटता है आर्यन, देख सकते हैं दोस्तों पैर में मच्छर बैठा हुआ है आर्यन के बहुत ही ज़्यादा मच्छर है दोस्तों हमारे यहाँ, देख सकते हैं आर्यन के पैर का मच्छर उड़ रहे हैं, और आपके यहाँ कितना मच्छर है दोस्तों कमेंट करके जरूर, चलते हैं दोस्तों अभी खाना पीना बना लेते हैं फिर मिलते हैं, आरोही पापा आएंगे तो दोस्तों देखते हैं आरोही को पिटाई हो रहा है आज का नहीं।